बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई एम तैमूर परदेसी, तैमूर अकेडमी डॉट कॉम की नाम से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक और बहुत ही हार्ड स्किल सिखाने जा रहा हूँ। हार्ड का मतलब है कि ये बहुत ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। अब इस स्किल को आप लोगों ने लाइट नहीं लेना, ये बहुत ही काम आएगी आप लोगों की। वैसे भी नॉर्मल अगर आप लोग अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें भी, और क्लाइंट का काम करना चाहते हैं या पैसे कमाना चाहते हैं उसमें भी। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग शॉर्ट स्किल्स की। असल में मैंने जितनी आप लोगों को स्किल्स सिखाई हैं ये टाइम पास नहीं है कि ये 10 दिन काम किया उसके बाद छोड़ गया, लेकिन ये आप लोगों के लॉन्ग टर्म के लिए स्किल्स हैं अगर आप लोग कोई एक सीख लेते हैं। मैं इसलिए इनको तोड़ तोड़ के सिखा रहा हूं। अगर एक बड़ी स्किल सिखाऊंगा आप लोग बोर हो जाएंगे, यार ये तो महीना लग गया, इसलिए शॉर्ट स्किल सिखा रहा हूं ताकि आप लोग फायदा उठाएं और पैसे कमाएं। आज की जो हमारी स्किल है वो है जी कीवर्ड रिसर्च, एसईओ कीवर्ड रिसर्च। अगर आप लोग ये वाली मेरी सीरीज अब देखेंगे जिसमें मैं आप लोगों को एसईओ के रिलेटेड स्किल सिखाऊंगा तो आप लोग यकीनन एसईओ भी साथ साथ सीख सकते हैं, अपने ब्लॉग के लिए भी और क्लाइंट के काम के लिए भी, और आप लोग किसी सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह जॉब भी कर सकते हैं आसानी से, लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर भी आप जॉब कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को आज की वीडियो में जो एसईओ कीवर्ड रिसर्च करके दिखाऊंगा वो फ्री टूल भी यूज़ करूंगा, पेड टूल भी यूज़ करूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अगर आप लोगों के पास पेड टूल नहीं है तो आप लोग फ्री में किस तरह कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, अच्छे कीवर्ड किस तरह फाइंड कर सकते हैं जो कि आप लोग क्लाइंट को दे सकें और उसके बाद पैसे कमा सकें। याद रखें ये वाली जो स्किल बता रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च, ये हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे है और लोकल और इंटरनेशनल लेवल दोनों जगह पे इस्तेमाल होती है। आप लोग लोकल बहुत ज़्यादा क्लाइंट पकड़ सकते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आप लोगों को बताता हूँ किस तरह कीवर्ड फाइंड करने हैं, कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड मेन वही चीज़ होती है जो ऊपर हम लिखते हैं या कोई चीज़ सर्च करते हैं उसको कीवर्ड कहते हैं, सिंपल से अल्फाज में, कोई इंग्लिश या कोई ये वो नहीं कि फलानी चीज़ है फलानी चीज़ है। तो इसमें एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं, एक शॉर्ट टेल। शॉर्ट टेल मतलब एसईओ, ये हो गया जी। अब हाउ टू डू एसईओ, ये लॉन्ग टेल होगा जिसमें 3 से 4 वर्ड आ जाएं। तो मैं चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं किस तरह हमने एसईओ कीवर्ड रिसर्च करनी है और क्लाइंट को काम किस तरह डिलीवर करना है ताकि हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, यहाँ से अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास fiverr.com ओपन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो ऊपर कैटेगरी हमारे पास आ जाती है, ग्राफिक डिज़ाइन हमने भी कवर कर लिया था। अब आती है डिजिटल मार्केटिंग, इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था। आज हम देखते हैं एसईओ को, लोकल एसईओ में बाद में जाएंगे। एसईओ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें एसईओ ये बता देगा, यहाँ पे ये देखें ऑफ पेज, ऑन पेज, टेक्निकल। ये असल में शुरू यहाँ से होती है, कीवर्ड रिसर्च, कंप्यूटर एनालिसिस, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज और ऑफ पेज, और ये वॉइस सर्च एसईओ अभी आई है। ठीक हो गया, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च। इसमें यह है कि आपको एसईओ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल का पता चल जाएगा। जब मैंने कीवर्ड रिसर्च पे क्लिक किया या ये वाला कीवर्ड ऊपर लिखा तो यहाँ पे 3371 सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। नीचे आके देखते हैं KGR, ठीक हो गया, इसको हम छोड़ देते हैं। KGR ये अलहदा मेथड है, इसको भी हम देखेंगे बाद में। इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, मैं 4 जो है वो ओपन कर लेता हूँ गिग, ताकि हमारे पास ऑर्डर की पता चल सके रेशो कितनी है और लोगों के पास ऑर्डर आ भी रहे हैं कि नहीं, या खाली हम ही काम करने लगे हैं। अब सबसे पहले बंदे के पास एक ऑर्डर पड़ा हुआ, ठीक हो गया, 9920 ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं जो कि जिनकी रिव्यू हैं, बाकी पता नहीं कितने, सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करके देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑर्डर यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे देख लें, और ये पाकिस्तानी है, और यहाँ पे नीचे आ जाएं तो देखें जी पाकिस्तान से, और ये आपको एक माइक्रो निश विद कीवर्ड करके देंगे। उसके बाद 4 ऑर्डर पड़े हुए हैं, और उसके बाद 6 ऑर्डर, और उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑर्डर हैं। इसके बाद अगर आप लोग मज़ीद लो कम्पटिशन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आके आप लोगों ने SEO कीवर्ड रिसर्च लिखेंगे तो आपके पास आ जाएंगे SEO कीवर्ड, यूट्यूब, एक्सीलेंट, लॉन्ग टेल, बेस्ट। ठीक हो गया, मुख्तलिफ कीवर्ड रिसर्च हमारे पास यहाँ पे ऊपर कीवर्ड आएंगे, ये आप लोग कर सकते हैं।
अब हमारे पास ये सर्विस, हमने गिग लगा ली, हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोगों ने गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आप लोगों की लोकेशन, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग यूएसए को टारगेट कर रहे हैं, यूके को कर रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किस कंट्री की कीवर्ड रिसर्च करनी है, कंट्री बेस है या इंटरनेशनल। अब मेरे पास समझें कि क्लाइंट ने मुझे एक कीवर्ड दिया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इसके रिलेटेड कीवर्ड निकालने हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सर्च करूँगा। यहाँ पे जब मैंने सर्च किया तो इसके आगे जब मैं स्पेस या क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये कीवर्ड आ गए हैं, विदाउट पेइंग एनीथिंग एज अ टीम फास्ट फ्रॉम होम इन नाइजेरिया फॉर बिगनर एज अ किड इन इंडिया। इसका मतलब है कि ये वाले कीवर्ड बहुत ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, ये गूगल सजेस्ट करेगा। उसके बाद आप ए बी सी डी, ये देखें, बी टाइप करूँगा बिजनेस बाय टॉपिंग, इस तरह के मुख्तलिफ आते हैं। सी टाइप करूँगा तो कॉलेज स्टूडेंट, कोर्स, मुख्तलिफ, इसी तरह डी एफ आप करते जाएंगे तो कीवर्ड आपको मिलते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आए तो हमारे पास कुछ गूगल और हमें जो है वो सर्च रिलेटेड रिकमेंड करता है कि ये भी लोग सर्च कर रहे हैं, हालांकि यही ऊपर थे। ठीक हो गया, एक तो हम इस तरह कीवर्ड निकाल सकते हैं, हमें पता चल सकता है। अब बात आती है, ये तो थोड़े से कीवर्ड हैं, ज़्यादा कीवर्ड किस तरह निकलेंगे? इसी कीवर्ड के अगर हमने ज़्यादा निकालने, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्री वाले, तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ उबर सजेस्ट। यहाँ पे ये उबर सजेस्ट नेल पटेल का टूल है, nailpatel.com, इस पर क्लिक कर देना है, फ्री कीवर्ड आप लोगों को मिलेंगे, कोई पैसे कोई कुछ नहीं देना। जब आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ से आप लोगों ने इंटर डोमेन और कीवर्ड निकालना है। डोमेन क्या है कि किसी वेबसाइट के कीवर्ड निकालना चाहते हैं, वो बाद में बताता हूँ, अभी बेसिक आप कीवर्ड रिसर्च सीखें। उसके बाद यहाँ पे कंट्री और लैंग्वेज है, किस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें मुख्तलिफ कंट्रीज़ और लैंग्वेजेस आ जाएंगी। तो हमारी जाहिर सी बात है यूएसए को करना है, यहाँ पे मैं कीवर्ड को पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे, और उसके बाद हम देखते हैं सर्च करके कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, कंपटीशन कितना है, इसके रिलेटेड कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। जब मैंने सर्च किया तो अगर आप यहां से साइन इन करेंगे तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा कीवर्ड देंगे। मैंने सर्च किया तो 90,500 सर्च वॉल्यूम बता रहा है, उसके बाद एसईओ डिफ़िकल्टी इतनी बता रहा है, पेड डिफ़िकल्टी इतनी है, कॉस्ट पर क्लिक कितना है। आप लोग इन चीज़ों को फ़िलहाल भूल जाएं, सर्च वॉल्यूम देखें, उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो हमारे पास और कीवर्ड आ जाएंगे। ठीक हो गया, इसको भी छोड़ दें, वेज़ के रास्ते, मतलब सर्च वॉल्यूम भी आ रहा है, कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, फ्री फॉर, उसके बाद GTA 5, इसको नहीं देना, जो रिलेटेड है वो ही दें। अब ये सर्च हो रहा है तो आप ये भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज़ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, क्योंकि आप लोग कीवर्ड्स ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो कीवर्ड आइडियाज़ पे क्लिक कर दें। जब आप लोग कीवर्ड आइडियाज़ पे क्लिक करेंगे, ये बता रहा है जी 423 कीवर्ड ऐसे हैं जो कि हाउ टू मेक मनी के रिलेटेड हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इसने बताया कि 59 क्वेश्चन है, कंपैरिजन इतने हैं, ये प्रपोजिशन और ये रिलेटेड, तो 4000 रिलेटेड हैं, लेकिन हमें वो फ़िलहाल नहीं चाहिए, हम ये ही 423 जो हैं वो ही बहुत हैं। और यहाँ पे ये पेयर डिफ़िकल्टी, एसईओ डिफ़िकल्टी, सीपीसी, इस चीज़ को आपने छोड़ देना है, वॉल्यूम देखें और ये देखें। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सबको सिलेक्ट करें, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट टू CVS कर सकते हैं या कॉपी टू क्लिप बोर्ड, सिंपल सा काम कर सकते हैं। अच्छे अच्छे कीवर्ड निकालने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, अब ये कह रहे हैं अगले तब शो होंगे, आप लोग साइन इन हो जाएं गूगल से फ्री में, कोई पैसे नहीं देने। एक तो तरीका ये है कि फ्री टूल को इस्तेमाल करते हुए आप लोग इस तरह कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अब बात आती है पेड टूल की, तो मैं AHREF पेड जो टूल है उसके ज़रिए आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने कीवर्ड फाइंड करने हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास AHREF ओपन है, ये पेड टूल है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन आप लोग फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बताता हूँ किस तरह फ्री में यूज़ करना है। ठीक हो गया, सबसे पहले तो अगर आप लोग पेड हैं तो यहाँ पे कीवर्ड एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है आप लोगों ने, ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक करें। जब आप न्यू टैब में ओपन कर लेंगे, यहाँ पे ये ऊपर सर्च इंजन इसने दिए हैं, गूगल से सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब से, अमेजोन, बिंग, यंडेक्स, मोर पे क्लिक करेंगे और हमारे पास आ जाएंगे। गूगल से ही सर्च करना है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट लाजमी बात है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना मेन कीवर्ड जो है वो टाइप कर देना है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। अब जब मैंने सर्च पे क्लिक किया तो मुझे ये बता रहा है कि पूरी दुनिया में ये 296,000 मरतबा सर्च होता है, 109,000 मरतबा यूनाइटेड स्टेट में सर्च होता है, और 74% इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, कि मतलब ये हार्ड है, सुपर हार्ड लिखा हुआ है,
वेरी हार्ड कि इसको रैंक करना बहुत मुश्किल है। फिलहाल आप तो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, आप कौन सा रैंक करके दे रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे हमें ये देखें हैविंग सेम टर्म कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ से क्या करना है, व्यू ऑल पे करना है। अगर क्वेश्चन रिलेटेड करना चाहते हैं तो यहाँ से वो भी मिल जाएंगे, व्यू ऑल। जब व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कीवर्ड ही कीवर्ड आ गया। आप लोग इसमें मुख्तलिफ यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं, केडी मतलब कीवर्ड डिफ़िकल्टी, अगर लो रखना है तो यहाँ से आप लोग 30 पे कर सकते हैं, यहाँ पे 30 तक करेंगे तो अब देखिए हमारे पास कितने कीवर्ड आते हैं। उसके बाद वॉल्यूम, ग्लोबल वॉल्यूम, वर्ड काउंट, उस सर्प फीचर, उसके बाद इंक्लूड एक्सक्लूड, ये तमाम चीज़ें बाद में बताऊंगा, इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें सारे कीवर्ड निकल आए, 218 हमारे पास जो है ये लो कंपटीशन समझ लें आ गए, इनकी सर्चेज अब कम है, ये आप लोग रहने ही दें तो फिर अच्छा है। कम अज़ कम 500 सर्चेज तक उस बंदे को दे दें, 300 वाला भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से आसानी से आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ये है पेड टूल। अब इसका इसी को फ्री में कैसे यूज़ करना है, इसको जब फ्री में यूज़ करेंगे तो सिर्फ आप लोग कीवर्ड रिसर्च जो है वो यूट्यूब के लिए कर सकते हैं, वेबसाइट के लिए नहीं। यहाँ पे आ जाएं और ये AHRF है, इसके फुटर में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक तो कीवर्ड जनरेटर है, कीवर्ड निकाल देगा, और यूट्यूब कीवर्ड, ठीक हो गया। अमेजोन कीवर्ड टूल भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास कीवर्ड आ गया, सिंपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और ये देखिए हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अब ये हमें जनरेट करके दे देगा। आई एम नॉट रोबोट, ये ले जी सारे कीवर्ड निकाल दिए, क्योंकि ये फ्री में इतने ही बताएगा आपको, 10 तकरीबन है, 3, 6, 10। तो बाकी ये देखें सर्च वाली हम बता रहा है और उसकी डिफ़िकल्टी नहीं बताएगा। तो फ्री में भी आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह यूट्यूब के निकालने हैं तो यूट्यूब के निकाल सकते हैं। उसके बाद मेरे पास एक और टूल है कीवर्ड टूल डॉट आईओ, इस टूल पे जब आएंगे तो आप लोगों को ABCDZ तक निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप लोगों के लिए काम जो है वो आसान कर देगा। यहाँ से गूगल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं USA को सिलेक्ट करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश, और यहाँ पे अपना कीवर्ड पेस्ट कर दें और सर्च पे क्लिक कर दें। ये देखें जी इसने ABCDEF से सारे कीवर्ड निकाल दिए, इसका जो आगे सर्च वॉल्यूम है वो नहीं, ये जब वो तब निकाल के देता है जब आप पेड हों। आप फ्री में ये सारे कॉपी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। यहाँ से कॉपी करें या एक्सपोर्ट करें, ये देखें सिंपल एक्सपोर्ट करेंगे और ये वाली फ़ाइल आप लोगों ने अच्छे अच्छे कीवर्ड जो होंगे जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो आप लोगों ने सिंपल क्लाइंट को सेंड कर देनी है। और ये काम है जी कीवर्ड रिसर्च, और भी मेथड है लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया कि ये होती है कीवर्ड रिसर्च। आप लोग आसानी से ये करके सर्विस सेल कर सकते हैं, इसमें इतना कंपटीशन भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।